एकदम नए तरीके से और नए अंदाज में बहुत ही कम समय में आज हम करेले बेसन की सब्जी बनाएंगे दोस्तों। बहुत ही चटपटी मसालेदार एकदम यूनिक तरीके से। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना कड़वा करेला लगे हुए इतनी यूनिक तरीके से मसाले करेला बनाएंगे। तो ये ले लिए हमने 500 ग्राम करेले और इनको इस तरीके से कट कर लिए हमने। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से करेले ले सकते हैं और इस तरीके से मोटे मोटे गुल्ले इसके गोल स्लाइस में कट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हें हमने धोकर कट कर रखा है। अब ले लेंगे हम 1 टीस्पून नमक। तो नमक को हाथों से बुरबुराकर और हाथों से इस तरीके से मिक्स कर कर इसे हम 1 से 1.5 मिनट मिक्स कर कर रखेंगे ताकि ये पानी छोड़े और अपना कड़वापन अच्छे से निकाल दे और जब हम इसकी सब्जी बनाएं तो कड़वी ना लगे। तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा अगर करेला आप इस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए इसे ढककर रख देंगे हम 15 से 20 मिनट तक। इसे ढककर रखेंगे तो पानी छोड़ेगा ये कड़वा, तो इसे ढककर रख देते हैं हम, फिर रेसिपी बाद में स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो देखिए करेले काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए, इन्होंने पानी काफ़ी रिलीज करा है क्योंकि करेला भी पानी छोड़ता है नमक मिलने के बाद में। तो लीजिए हमने करेले को इस तरीके से लेंगे और दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस करके इसका पानी कड़वा निकाल लेंगे। सारे करेले को हम इसी तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप इसका अच्छे से करेले का पानी निकालोगे तो इसका कड़वा पानी निकल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे करने से ना जो बीजे होते हैं कड़क वाले वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं करेला, तो कभी कभी बीजे भी नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरीके से बीजे भी निकल जाएंगे, कड़वा पानी भी निकल जाएगा। चलिए फटाफट हम इसको निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स सारे करेले के हमने इस तरीके से निकाल लिया है पानी, देखिए काफ़ी पानी निकला ना, एकदम हरा कच कड़वा कड़वा पानी। तो चलिए ये हो गए हमारे करेले रेडी कुछ इस तरीके से। चलिए तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हम मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक पहले हमने मिलाया तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिएगा। थोड़ा सा हम कसूरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून लेंगे हम तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर। और इसमें ले लेंगे हम 1 टीस्पून हम धना पाउडर लेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेंगे और इसमें आमचूर पाउडर लेंगे जो कि पैकेट वाला ड्राई अमचूर आता है वो। आप चाहे तो नींबू रस भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन हमारे पास नींबू अवेलेबल नहीं तो हम आमचूर पाउडर ले रहे हैं, इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब लेंगे हम इसमें बेसन। तो बेसन अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा, जितना आपके करेले में आता हो उतना। अभी हमने 1 कटोरी में से आधी कटोरी बेसन लिया है, यानी कि 5 से 6 टीस्पून बेसन होगा। तो चलिए आधी कटोरी बेसन हमने साइड में रख दिया, अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों मिलाने के बाद में अगर लिक्विड जैसा लगता हो तो इसमें बेसन ऑयल ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और वापस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल आप सरसों का लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए अब गैस की ओर, गैस पर हमने कढ़ाई रखी, उसमें हमने बड़ी चम्मच से 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, ये सरसों का है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हम जीरा लेंगे, 1 ही टीस्पून हम कलौंजी लेंगे, इससे ना बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएंगे कलौंजी से। इसके बदले आप सरसों भी ले सकते हैं काली वाली। तो इन्हें पकने देंगे हम, फिर डालेंगे 1 बड़ी प्याज कटी हुई बारीक, इसे हम पिंक कलर तक तेज आँच पर पका लेंगे। इसे चलाते हुए तेज आँच पर पका लीजिएगा क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है और बारिश के मौसम में ये ज़्यादा ही पानी छोड़ती है, तो तेज आँच पर प्याज पका लीजिएगा। अब हम इसमें 1 गट्टा लहसुन का हमने 10 से 12 कली कद्दूकस करके रखी है, उसे ऐड करेंगे। हमें लहसुन का फ्लेवर थोड़ा कच्चा चाहिए था इस करेले की रेसिपी में। अगर आप चाहे तो लहसुन प्याज दोनों साथ डालकर इसे फ्राई कर सकते, तो हमने बाद में ऐड करा। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो इसे बगैर लहसुन प्याज की भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है वैसे भी, क्योंकि इसमें बेसन मिला है। बेसन मिलने के बाद में ना ये कड़वा लगेगा करेला और ना ही ये टेस्टी भी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे ना आप झटपट से बनाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। तो लीजिए हम इसे करेले को ऐड कर देंगे और हमारे बघार में, और इसे फ्राई करने के लिए हमें
मीडियम आंच रखना है, यानी कि ज़्यादा आंच नहीं रखेंगे वरना बेसन हमारा जल जाएगा। तो इसको चलाते हुए हम एक दो मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे और मध्यम आंच कर देंगे। अब इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे एक मिनट के करीब। तो लीजिए, एक मिनट बाद हम फिर से चला लेते हैं क्योंकि बेसन मिला है, चिकना जाए। और हमारे पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं है दोस्तों, हमारे तो पास ये एल्युमिनियम की कढ़ाइयाँ हैं, उसी में बना रहे हैं। आपके पास नॉन स्टिक बर्तन हो तो उसमें बना लीजिएगा। वैसे तो हेल्दी नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते हैं, लेकिन आपको जो सहूलियत लगे आप उसमें बना लीजिएगा। हम एल्युमिनियम ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने बनाने में, तो हम वही आप सबको उसी में बना के बताते हैं। 2 से 3 मिनट ढककर पका लिया है, अब देख लेते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से हमारी सब्जी पक चुकी है बेसन और करेले की। तो इसकी खुशबू ना पूरे घर में महक रही है। हमारे बच्चों को करेले वैसे पसंद नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से बना कर देते हैं तो वो सच में बहुत सारी सब्जी खा लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं अगल बर्तन में हम। तो करेले बेसन की सब्जी आप पूड़ी, पराठे, चपाती, रोटी या तंदूरी रोटी के साथ खाइए, या दाल चावल के साथ, इधर साइड सब्जी में भी बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से बनाकर देखिए दोस्तों, सब बड़े चाव से खाएंगे। और ये बेसन करेले की सब्जी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो या ना लगी हो कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में कुछ गांव देहाती रेसिपी के साथ। जय राम जी की।